नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ पुदीने की मीठी वाली चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये चटनी बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाई हूँ चटनी। बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पुदीना ली हूँ, तो एक कटोरी पुदीना लेना है। और यहाँ पर एक आम ली हूँ, ये आम खट्टा मीठा है, न तो ज़्यादा कच्चा है और न ही ज़्यादा पका हुआ है, तो इसी तरह का आम लेना है। अब यहाँ पर मैं दो हरी मिर्ची ली हूँ, तीखी वाली हरी मिर्ची लेनी है। और यहाँ पर 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ली हूँ। पुदीने को अच्छे से 2-3 बार साफ पानी से धो लेना है। यहाँ मैं मिक्सी का जार ले ली हूँ और इसमें सारे पुदीने के पत्तियों को डाल देना है। तो डंडियों का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ पत्तियों का ही इस्तेमाल करना है चटनी बनाने के लिए। और आम को भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काट ली हूँ। अब इसे भी हमें मिक्सी के जार में डाल देना है। तो ध्यान रखें, जो आम खट्टा मीठा ही होना चाहिए, तभी चटनी अच्छी बनकर तैयार होगी। तो अब इसमें मैं 2 चम्मच चीनी डाल देती हूँ। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें डालें, मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। अब इसमें हमें डाल देना है 2 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को मैं यहाँ पर तोड़ के डाल रही हूँ। और इसमें अब लहसुन को डाल देते हैं। लहसुन भी मैं डाल दी हूँ। अब डाल देते हैं इसमें थोड़े से काला नमक, तो 1/4 छोटा चम्मच काला नमक डाली हूँ। और इसमें अब भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच डाल दी हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और अच्छे से मिक्सी चलाकर हमें इसे पीस लेना है। तो ध्यान रखें, आम अगर खट्टा नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने पीस ली हूँ और ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो पुदीना और आम की खट्टी मीठी बहुत ही स्वादिष्ट चटनी ये बनकर तैयार हुई है। अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल को अब अच्छे से मिला लेना है। तो ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो आप इसे रोटी के साथ, पूरी के साथ या फिर डोसा के साथ खा सकते हो। ये चटनी स्वादिष्ट होने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें हमने पुदीना डाला है। तो आप भी इस चटनी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको आज की ये चटनी रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। थैंक यू।